दो भाई इकट्ठे हो गए, परिवार कितना मजा है। जब परिवार इकट्ठा हो जाता ना तो वहाँ जीत हो जाती है, ये बोलना चाहूंगा। किसो माहौल लग गया है, देखो घर वापसी हो गई है, बहुत बढ़िया हो गयो। सबसे पहला तो है कि अभी परिवार मिलन हो गयो, तो अभी परिवार मिलन हो आईएनडी ने मजबूती मिलेगी और कैंडिडेट भी भारी बड़े भारी के बहुत भारी है। आगे आदित्य भाई साहब फिर मैं आगे देख रहे भूल गए लेडो लेडो कौन की बात है। कैसा बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल है, बढ़िया जुड़े हुए हैं लोगों से, जमीन से लेकर आसमान तक, बढ़िया इंसान है और अपने घर में वापसी कर ली, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। चाहोगे आदित्य ने हम आईलैंडी ज्वाइन कर ली, घर वापसी हो गई है। पहली तो बड़ी खुशी की गल है जी, दो परिवारों का मेल होया, दो ताकत मतलब दो ताकत रल के काम करनियाँ, बहुत बड़ी ताकत है। तो कोई छोटी मोटी गल नहीं गई, आदित्य भाई सानू टिकट दी है तो सीट कन्फर्म। कैसा माहौल लग रहा है आदित्य के आईएनडी में ज्वाइनिंग करने के बाद? बहुत अच्छा माहौल, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। नमस्कार, पन्नू आखिरकार 10 सालों की घर वापसी के बाद आदित्य चौटाला आज ये लो और यहाँ से डबारी विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि कल ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की मौजूदगी में उन्होंने अपने घर वापसी की रैलियों का दामन थाम लिया और उसके बाद आज एक सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन डबारी के अनाज मंडी में, जो कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले वो यहाँ पर बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, खुद जो आदित्य चौटाला है वो लोगों के बीच में पहुंचकर उनका अभिनंदन सरकार कर रहे हैं, महिलाओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आपको याद होगा 2016 के चुनाव में उन्होंने नगर परिषद में अपनी भाभी कांता चौटाला को करारी शिकस्त दी थी और लगातार पिछले 10 सालों से वो बीजेपी में रहे, लेकिन इस बार उनकी टिकट बटने के बाद वो कृपा दिखाई थी, उसके बाद उन्होंने अपने घर वापसी यानी कि आईएनडी में जाकर उन्होंने आस्था जताई है। तो आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं, ये डबाली की अनाज मंडी के शहर की तस्वीर है जहाँ पर आज बड़ी संख्या में जो उनके एनएलए में वापसी करने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी जो भीड़ में लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है भीड़ लोगों की, और नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक बड़े जिसकी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आदित्य चौटाला आज तमाम अपने साथियों को समर्थकों के साथ लेकर आए हैं। और चाहोगे आदित्य ने हम आईलैंडी ज्वाइन कर ली, घर वापसी हो गई है? पहली तो बड़ी खुशी की गल है जी, दो परिवारों का मेल होया, दो ताकत मतलब दो ताकत रल के काम करनियाँ, बहुत बड़ी ताकत है। तो कोई छोटी मोटी गल नहीं गई, आदित्य भाई सानू टिकट दी है तो सीट कन्फर्म कटने सीट जितने। लगता है माहौल बदल गया उस तो बाद? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा माहौल बदल गया जी, बहुत ज्यादा पूरा माहौल बदल गया। हाँ जी बापू, की लगता है? ओ जीतू है, जीतिया बस बाहर आदमी जीतू मतलब। अच्छा, जीतिया जीतू है सीधा। परिवार इकट्ठा हो गया, फायदा होगा इहदा? फायदा होगा, 30-40 वोट का 30,000 वोट का फायदा हो गया इहदा। अच्छा, सही फैसला है। कैसा माहौल लग रहा है आदित्य के आईएनडी में ज्वाइनिंग करने के बाद? बहुत अच्छा माहौल, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि पहले भी इन्हें लोग लीड कर रही थी, अब आदित्य के आने से और बहुत बड़ा मार्जिन हो गया, कोई फाइट में नहीं है, पूरा फाइट है। हाँ बहुत ज्यादा, अब इनके मुकाबले में कोई नहीं है। आदित्य के इनेलो में आने से दो भाई इकट्ठे हो गए, परिवार कितना मजा है? जब परिवार इकट्ठा हो जाता ना तो वहाँ जीत हो जाती है, ये बोलना चाहूंगा। सही फैसला है इनेलो में आने? बिल्कुल बिल्कुल सही फैसला, बिल्कुल सही फैसला है। आपको माहौल क्या लग रहा है? बस ये देख लो, माहौल तो जीत पक्की है, चुनाव होने से पहले जीत होगी, ये बोलना। सबसे बड़ी बात तो है ये, मैं भजन सरपंच राज ब्रह्मा, हम सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो आदित्य जी हीरा बन के पार्टी में आए हैं, ये बीजेपी वालों को पहचान नहीं आई, कैसे इस हीरे को उन्होंने अलग कर दिया। हम चाहते हैं कि जो आज इनेलो पार्टी में आए हैं, आप भी भारी मतों से जीत ले गए इनेलो पार्टी की सरकार। आदित्य का इनेलो में आने का सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है, अपने परिवार में वापसी आई है, बीजेपी वालों को पहचान ही नहीं थे, हीरा कैसे, हीरे को तराशना कैसे, ये तो अभय सिंह जी चौटाला साहब ने हीरे को तराशा है और उन्होंने ये
चौधरी देवी लाल जी आदित्य जी को टिकट दी है और भारी मतों से जिता कर इसको जनता चंडीगढ़ भेजेगी विधानसभा। बहुत बढ़िया रहे थे, बहुत जी बहुत व्यवहारी है, इनका नेचर बहुत बढ़िया है। ये गांवों का काम करना, जो गलियां हैं, सड़कें हैं, खेतों वाले मैदान हैं, बहुत काम किया हमारे एरिया में इन्होंने, बहुत हमारे लोग जीते हैं, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। जी हाँ जी, बहुत सही है, बहुत बढ़िया माहौल है जी भाई, इतने सब बहुत फोटो से जीतेंगे जी, बहुत बढ़िया माहौल है। सब तो परिवार भी एक हो गया, कितना फायदा होगा इन लोगों में? बहुत बहुत फायदा हो गया जी, बहुत बहुत फायदा हुआ है दोनों परिवार इकट्ठा होने से, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी खुशी हुई है। कैसा? बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल है, बढ़िया जुड़े हुए हैं लोगों से, जमीन से लेकर आसमान तक, बढ़िया इंसान है और अपने घर में वापसी कर ली, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। वर्करों में बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है और बढ़िया जीत दिलाएंगे आदित्य जी चौटाला को भाई साहब को। किससे फाइट लग रही है आपको, मुकाबला कितना अच्छा लग रहा है? अब गुरविंदर मैं आपको बताऊं भी, हमारे को तो किसी से फाइट नहीं, फाइट होगी तो कांग्रेस से मुकाबला होगा, बाकी पार्टियों से कोई मुकाबला नहीं है हमारा। ठीक है, ठीक है, बाकी सीट जीतनी बड़ी आसान है, सरकार भी आनी बड़ी आसान है। किसो माहौल लग गया माहौल है, बहुत बढ़िया हो गया, सबसे पहला तो है कि अभी परिवार मिलन हो गया, तो अभी परिवार मिलन हो, आईएनडी ने मजबूती मिलेगी और कैंडिडेट भी भारी बड़े भारी के बहुत भारी है, सबसे बड़े एक मिलनसार है और ईमानदार है, सोच अच्छी है, बड़ी सोच है, आगे कुछ करने की सोच है, तो एक अच्छो मैंने हमारे इलाके को एक विधायक मिले नहीं मिल चुके हैं, एक भारी जीत होगी, तो सबसे बड़ी बात है अभी एक परिवार को जो अपवाद हो वो खत्म हो गया, परिवार मिलन हो गया, तो आगे भी मतलब और तरक्की मिले। ठीक है, हाँ जी भाई, तक सब तो परिवार भी एक हो गया, भाई भाई से मिल गया। परिवार एक हो गया तो सारा मोटी खुशी है माने, बाकी को माने आदमी दे दीजिए भी सर सची संभालना माने संभालना, हर आदमी की कोई काम है वह अच्छी तरह होगा, सुनाई होगी, हर छत्तीसगढ़ी को काम करेगी, सच्चो इंसान है, 10 साल बीजेपी में रही हो तो भी अच्छो काम करे, कोई माड़ा कहूँ हर काम काम करके कटाई को कारो को काम करे, कोई पूरी है हर बात नहीं है, जब आदित्य में ज्वाइन किया, मैं युवाओं का प्रधान नेहलू पार्टी से हूँ, मांगियाना गांव है, तो मैं कल जो भी गांव में स्नेहा दिया उन्हें आने के लिए क्या खुशी की लहर है, सीट तो हम जीत ही गए, ऐसा लग रहा है लोग कहते हैं कि अब हम जीत गए, कोई इसको हराने वाला नहीं, क्योंकि जो आदित्य है, आदित्य ने 10 साल ऐसी कमाई की है, हर गांव का काम किया है, तो अभय सिंह चौटाला के अब साथ आए हैं, तो अब वो नैलो से हमारे डब वाली हल्के को इतनी मजबूती मिली है कि हम दिल से खुश हैं, सभी परिवार इकट्ठा हो गया और आज इतनी वर्त है कि सभी पार्टियां पीछे छोड़ गए और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल को इतना मजबूत कर गए आदित्य जी कि हम उसका हार्दिक निमंत्रण करते हैं, जरूर स्वागत करते हैं हमारी पार्टी में।